हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्थ। तो दोस्तों, इस बार मैंने फ्लिपकार्ट से इतना खराब एक्सपीरियंस किया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्लिपकार्ट मेरे साथ ऐसा धोखेबाजी भी कर सकता है। हो सकता है दोस्तों आप सभी के यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने बिग सेविंग डे सेल में 2 बार रियलमी 9 4G फोन को ऑर्डर किया। एक बार 4,500 के डिस्काउंट में, दोबारा 4,000 के डिस्काउंट में, मेरा दोनों ही बार प्रोडक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो दोस्तों जब मैंने रियलमी 9 4G को ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से 5 टाइम, तो दोस्तों वे प्रोडक्ट मेरा सहार का कुरियर ऑफिस तक भी आके मुझे डिलीवरी नहीं मिला। फिर बाद में उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया गया। फिर मैंने जब सेकेंड टाइम में रियलमी 9 4G को ऑर्डर किया, वे मेरा प्रोडक्ट पेंडिंग में चला गया। अगला दिन मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो भैया मुझे यहाँ पे डिलीवरी तो मिला ही नहीं मेरा फोन का, उल्टा डिलीवरी वाले ने ही मुझे धमकी दे दिया। मुझे बोला गया कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट को यहाँ पे डिलीवर ही नहीं करूँगा। फिर मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात किया, लेकिन फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को आप लोग यहाँ पे जानते ही हो, वे लोग कुछ मतलब कि सॉल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं आप सभी को अपना वीडियो को शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों आज मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लोग शेयर। और मेरा क्या बात हुआ फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से, मैं सारा कुछ आप सभी को यहाँ पे सुनाऊंगा, मतलब कि रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, 26 जुलाई को मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड से बिग सेविंग डे सेल में रियलमी 9 4G को ऑर्डर किया था 14,153 रुपये में, जिसमें मुझे और 5% का कैशबैक मिलने वाला था, मतलब कि लगभग 750 रुपये का मुझे और कैशबैक मिलता। मतलब कि मैंने 13,500 रुपये में रियलमी 9 4G को ऑर्डर किया 26 जुलाई को, जो कि दोस्तों रियलमी 9 4G 28 जुलाई को मेरे शहर के कुरियर ऑफिस तक पहुँच भी गया, लेकिन रियलमी 9 4G का 4 दिन तक मुझे डिलीवरी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुरियर ऑफिस चला जाता हूं, वहीं से मैं अपना कुरियर यहां पे ले लूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं वहां पे कुरियर ऑफिस पहुंचा, तो वे शुरू में मना कर रहे थे, मैं तुम्हारा मतलब कि डिलीवरी नहीं दूंगा, तुम घर में ही बैठो, 1 या 2 दिन के बाद तुम्हारा डिलीवरी मिल जाएगा। लेकिन 4 दिन तक मेरा प्रोडक्ट का यहां पे डिलीवरी निकला ही नहीं। मैं वहां पे थोड़ा सा जिद करने लगा, भैया मुझे दे ही दो, लेकिन वहां का जो मैनेजर था वह मुझसे मांगने लगा आईडी प्रूफ। फ्लिपकार्ट पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि मुझे अपना आईडी प्रूफ देना है या फिर आधार कार्ड का नंबर देना है। तो दोस्तों मैं उन्हें मना कर दिया, भाई मुझे नहीं लेना है, जब डिलीवरी निकलेगा तब मैं ले लूंगा। तो उसके बाद मैनेजर ने मुझे क्या कहा, तुमको अपना डिलीवरी लेना है तो अभी ले लो, कल से तुम्हारा डिलीवरी निकलेगा ही नहीं, ना कल निकलेगा ना परसों निकलेगा, मैं यहाँ पे तुम्हारा डिलीवरी कैंसिल करने वाला हूँ। अगर तुमको अपना डिलीवरी चाहिए तो अभी ही तुम ले लो, अगर तुमको डिलीवरी चाहिए तुमको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, तुमको अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। मैंने उनसे बात किया, ऐसा फ्लिपकार्ट पे कहीं भी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन ही नहीं किया गया है कि मुझे अपना पर्सनल आईडी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ही नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि फ्लिपकार्ट का टर्म्स एंड कंडीशन में कहाँ पे मेंशन किया गया है कि मुझे डिलीवरी लेने के लिए मुझे अपना आधार नंबर देना पड़ेगा या फिर मुझे और कोई भी पर्सनल आईडी देना पड़ेगा। तो मैंने साफ साफ डिलीवरी लेने से यहाँ पे मना कर दिया, तुमको कल डिलीवरी निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है नहीं निकालो, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट से बात कर लूंगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वे लोग तो तुम्हारा आधार नंबर ही मांगे, तुम्हारा पर्सनल आईडी ही मांगे। तो दोस्तों मैं आप सभी से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वे कौन होते हैं मेरा आईडी प्रूफ लेने वाले? फ्लिपकार्ट पर ऐसा कहीं भी टर्म्स एंड कंडीशन पे मेंशन नहीं किया गया है कि मुझे अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर अब प्रीपेड ऑर्डर में ओटीपी आता है, मुझसे मेरा ओटीपी लो, मैं आपको यहाँ पे ओटीपी बताऊंगा, मैं यहाँ पे पर्सनल आईडी यहाँ पे क्यों दूंगा? तो दोस्तों उसने जो बोला था ये सच हो गया, अगले दिन मुझे डिलीवरी मिला नहीं। तो दोस्तों उसी दिन मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात किया, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर ने मुझे ये बोला, तुम निश्चिंत रहो, तुमको आज डिलीवरी मिल जाएगा, कल डिलीवरी मिल जाएगा, परसों डिलीवरी मिल जाएगा। फिर मेरा डिलीवरी मुझे कभी नहीं मिला। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद कस्टमर केयर ने मुझे 2 या 3 दिन के बाद मुझे कॉल किया, कॉल में क्या बोला गया, सॉरी सर आपका पिछला प्रोडक्ट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया है? तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरे कुरियर ऑफिस में पहुंच गया, जबकि दोस्तों मेरा कुरियर ऑफिस यहाँ से कुछ दूर है और मेरे शहर में एक ही कुरियर ऑफिस है, दूसरा कोई भी कुरियर ऑफिस नहीं है। और जबकि ऐप में साफ साफ यहाँ पे
देखने को मिल रहा था कि मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे शहर के ही कुरियर ऑफिस में था, और मुझे कॉल पर यह भी बोला गया कि अगर तुम Realme 9 4G को 10 दिनों के अंदर में फिर से ऑर्डर करते हो तो सेलर के तरफ से तुमको 1000 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। मतलब मेरा यहाँ पे 4500 रुपए का नुकसान हुआ, और मुझे यहाँ पे कितना का वाउचर दिया जा रहा था, 1000 रुपए का मात्र, वह भी कब, जब मेरा Realme 9 4G डिलीवर होगा उसके 72 घंटे के बाद तुम्हें 1000 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया, मैंने सोचा फिर से हम लोगों को यहाँ पे फ्रीडम डे सेल देखने को मिलने वाली है फ्लिपकार्ट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता ही है कि फ्लिपकार्ट पर फिर से 6 तारीख से यहाँ पे बिग सेविंग डे सेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, और मैंने 7 तारीख को इस बार फिर से Realme 9 4G को ऑर्डर किया। इस बार कितने के डिस्काउंट में ऑर्डर किया, इस बार मैंने 4000 के डिस्काउंट में ऑर्डर किया। इस बार मैंने ICICI क्रेडिट कार्ड अपने भाई से जुगाड़ किया, मैंने उनसे लिया, तो दोस्तों इस बार मुझे 4000 का तो डिस्काउंट मिल गया। और जैसे ही मैंने फिर से Realme 9 4G को ऑर्डर किया, मेरा जो ऑर्डर था वह पेंडिंग में चला गया, और अगले दिन फिर से Realme 9 4G को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। और सेलर के तरफ से मुझे क्या बोला गया था, तुमको 1000 का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा अगर तुम 10 दिन के अंदर में फिर से Realme 9 4G को ऑर्डर करते हो। तो दोस्तों फिर से मैंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कॉल लगाया, फिर से फ्लिपकार्ट ने मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया। वे लोग बोल रहे थे एक दिन वेट करो, दो दिन वेट करो, आपका इतना दिन तक पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार मुझे यह पता ही था कि फ्लिपकार्ट फिर से मुझे बेवकूफ बनाने का कोशिश करेगा या फिर पागल बनाने का कोशिश करेगा। वे लोग डिले करते जाएंगे और फिर से सॉल्यूशन कुछ नहीं देंगे, और वे लोग बोलेंगे नेक्स्ट सेल का वेट करो, आपको यहां पे इस दिन तक रिफंड मिल जाएगा। रिफंड तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे जो नुकसान हुआ दो दो बार, एक बार सेलर की तरफ से बोला गया कि तुमको 1000 का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा, फिर उसी सेलर ने मेरा मोबाइल को यहां पे कैंसिल कर दिया। मतलब ये क्यों धोखा दिया जा रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, मेरा रिकॉर्डिंग भी है। तो दोस्तों मेरा टोटल फ्लिपकार्ट से 5 या 6 बार कॉल पे बात हुआ होगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि मैंने अलग अलग कस्टमर केयर से क्या क्या बात किया। मैं आप सभी को यहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो ये रिकॉर्डिंग जो है लगभग 40 से 45 मिनट तक हो जाएगी। नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट से मानसी बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात मोहित जी से हो रही है? जी मैम। धन्यवाद मोहित जी अपना नाम कंफर्म करवाने के लिए, क्या सही समय होगा आपसे बात करने का मोहित जी? जी बिल्कुल। धन्यवाद मोहित जी कंफर्म करने के लिए। जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ आपने कॉल मी बैक रिक्वेस्ट शेयर की थी, और जो आपका लेटेस्ट प्रोडक्ट है रियलमी 9 इसकी कीमत 14,153 है, क्या आप इसी प्रोडक्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मोहित जी? जी मैम, मैं दो बार पहले कंप्लेन कर चुका हूँ इसी के रिलेटेड, इसको आप एक बार चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर से हमको समझाना पड़ेगा। हाँ जी सर, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे दो कंप्लेन रेस है, एक तो विश मास्टर के लिए है, हाँ, और एक आपका इस प्रोडक्ट के लिए स्टेटस मतलब जानने के लिए है, आप सबको बता सकते हैं? दोनों तो वही था, मुझे डिलीवरी मिल ही नहीं रहा है अभी तक। आपको नहीं मिला है? नहीं। काफी चौंगी लॉस के लिए सर, जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ प्रॉमिस डेट आज की थी, लेकिन हो सकता है सर लॉजिस्टिक कुछ इश्यू फेस कर रही हो जिस वजह से प्रोडक्ट थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी, मैं माफी चाहूंगी उसके लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप नेक्स्ट बिजनेस। हाँ जी मैम, कोई इशू नहीं है, मैंने आज भी कस्टमर केयर से बात किया तो कस्टमर केयर आज भी बोल रहे थे आज 7 बजे तक वेट कीजिए, हुए तो मुझे मैं हब गया था इसलिए डिलीवरी नहीं मिल रहा था, वे तो मुझसे ये मांग रहे थे पर्सनल आईडी मांग रहे थे, आईडी दिखाओ तब देंगे, ये कहाँ लिखा हुआ जो मुझको आईडी देना पड़ेगा ये बताइए सबसे पहले। जी सर, मैं उसके लिए भी बिल्कुल माफी चाहूंगी सर, अगर नियरेस्ट तक चले भी जाते हैं तो वो लोग अब प्रोडक्ट नहीं देते हैं सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो वो लोग नहीं देते सर जो आप लोग का मतलब पर्सनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नहीं देते हैं, मैंने आपका बात मान लिया, लेकिन वे तो कल साफ साफ बोल दिए लेना है तो अभी लो आईडी दिखा, कल डिलीवरी नहीं निकलेगा, वे तो डायरेक्ट धमकी दे दिए मुझको। और ठीक है, आपको ये बोला कि मिलेगा ही नहीं, लेना है तो अभी लो, कल मैं हब गया था, मुझे 28 को ही पहुंच चुका है मेरा कुरियर, लेना है अभी लो, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं निकलेगा डिलीवरी, डायरेक्ट वे धमकी दे रहे थे और बदतमीजी से बात कर रहे थे, वो आज डिलीवरी निकला भी नहीं है। और आप एक बार ये चेक कर लीजिए मुझे ईकार्ट के तरफ से कितना बार कॉल आया, एक बार भी कॉल नहीं आया मुझे। ठीक है सर, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी सर उसके लिए, क्या मैं आपके कॉल को 1 मिनट के होल्ड पे कर सकती हूँ सर ताकि मैं डिटेल्स चेक कर पाऊँ? जी बिल्कुल जी, मैं माफी चाहूंगी सर उसके लिए जो डिलीवरी आपके साथ हुआ, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी उसके लिए सर। एक कंप्लेन रेज कर देते हैं हम अपनी तरफ से, आप मुझे
आप जो बताएंगे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और उसके रिगार्डिंग आपको ऑन और बिफोर 4th of August वैकेंसी कॉन्टेक्ट करेगी सर। मैं मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट किया है, फिर से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। ठीक है मैम, आप तो कुछ करिएगा नहीं, मुझे कंप्लेंट नंबर दे दीजिए, मैं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करूंगा, दे दीजिए मुझे। प्रोडक्ट के लिए कह रहे हैं सर आप मुझे ना, सर ये तो जो आपका डिलीवरी हब का जो बताया ना उसके लिए कंप्लेंट रेज करी है सर यहाँ पे, और जो डिलीवर नहीं। मैम ये तो साफ साफ धमकी देके बोल दिए, तुम्हारा प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं मिलेगा, और तो आज डिलीवरी इसलिए निकला भी नहीं। मैम सुनिए ना, आज आप हमको कंप्लेंट नंबर बता दीजिए, मैं कंज्यूमर फोरम में ताकि कंप्लेंट कर सकूं। ठीक है, बताना चाहेंगे इसके रिलेटेड जो टीम भी है, क्योंकि ऑर्डर अभी आपको डिलीवर नहीं हो पाया है जी। अपडेट ये है क्योंकि जिस हब पर जाना था उसकी बजाय दूसरी हब पर चला गया, जिसकी वजह से ऑर्डर आपको डिलीवर नहीं हुआ है। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा, अगर आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हैं विद इन नेक्स्ट 10 डेज में, तो फ्रेश ऑर्डर की डिलीवरी के बाद विद इन 72 आवर्स में आपको एक गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा 1000 रुपीज का, जो कि ऐड होगा आपके फ्लिपकार्ट वॉलेट में। तो डिलीवरी के बाद मुझे क्यों मिलेगा सर, मुझे पहले प्रोवाइड कराइए, ऐसा तो आप लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ पर भी गलत कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोग साथ ही दे रहे हैं, मतलब वे तो साफ साफ धमकी दे दी, आप लोग तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो गलत है ना। आप बोल रहे हैं कि दूसरे हब में मेरा प्रोडक्ट चला गया, कैसे चला गया, किसके परमिशन से चला गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। और अभी दाम है रियलमी 9 का, ये बताना चाहूंगा ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर है वो गया है जी, किसी के परमिशन से गया है, बाय मिस्टेकली कुछ इश्यूज की वजह से अगर किसी दूसरी लोकेशन पर चला जाता है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप दोबारा ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा। तो सर अभी 18,000 दाम है, मैं कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ, मुझे दीजिए डिस्काउंट 4,500 का, अगर नहीं देते हैं तो ठीक है मैं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करता हूँ, इसी तरह बोलता हूँ, आप लोग सिर्फ बोलते हैं हेल्प करेंगे, और ठीक है मैं हब में जाता हूँ। जो प्राइस आपने जो ऑर्डर प्लेस की थी किया था, जिस प्राइस में आपने ऑर्डर प्लेस किया था, वो जो इंक्रीज हो गई, हाइक हो गई अभी जी, इसकी वजह से आप फ्रेश ऑर्डर तो प्लेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। ये डिटेल्स नोट्स में मेंशन कर दी जाएगी कि आप चाहते हैं कि आपको जो ऑर्डर है वो सेम प्राइस में प्रोवाइड किया जाए जिस प्राइस में ऑर्डर प्लेस किया था आपने, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जो भी फर्दर अपडेट रहेगा, ठीक है, अगर अभी प्राइस इंक्रीज है तो जो ऑफर्स हैं वो चलते रहते हैं डेली बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग तो सर मुझे अभी ना चाहिए, तो ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ फ्लिपकार्ट पे टर्म्स एंड कंडीशन में, मुझे दिखलाइए ना, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो सर हब में भी जाके अच्छे से वे मैनेजर है तो कुछ भी कहेगा, वे बोलेगा डिलीवरी नहीं निकलेगा तो डिलीवरी नहीं निकलेगा, ऐसा कहाँ का नियम है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं।